हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 1995 में निर्मित किया गया था और यह संगठित उद्योग में 14% बाजार हिस्सेदारी के साथ होजरी व्यवसाय में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक के रूप में उभरा है। यह भारत में सबसे बड़ा मध्य खंड होजरी उद्यम है। ग्राहकों की बढ़ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी के पास 16 ब्रांडों में 100 से अधिक उत्पाद हैं। कंपनी के उत्पाद पूरे भारत में फैले 450,000 खुदरा केंद्रों पर उपलब्ध हैं। तो आप इसके बारे में जान गए होंगे। अब आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप 4,222 करोड़, करंट प्राइस 1,405 रुपया, बुक वैल्यू 487 रुपया, जिसका कि लगभग 3 गुना पर ट्रेड कर रही है, और 52 का हाई लो देखेंगे तो 1,867 रुपया हाई है और 1,111 रुपया लो है। स्टॉक पी 37.2 अच्छा है, काफ़ी अच्छा। बुक वैल्यू 487 रुपया जो कि बोल चुका। ROC 13.2%, ROE 10.6%, बहुत अच्छा ROE और ROC है। एवरेज फेस वैल्यू 2 रुपया। ROE 3 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 22.1, और इंटरप्राइजेज वैल्यू 4,426 करोड़ का है। प्राइस टू सेल 1.82 का है। EV/EBITDA 22.6 का है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 1 ईयर का चार्ट है, तो कुछ दिनों से यह डाउन ट्रेंड में है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है। तो हो सकता है कि इसका एक सपोर्ट जो कि 1,328 रुपया के समथिंग, अन्यथा बेस्ट सपोर्ट तो 1,128 रुपया 95 पैसा है, लेकिन यहाँ तक आने की उम्मीद कम है। हो सकता है ये 2-4 दिन में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दे, लेकिन अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल में, तो उससे हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे में भी आ सके। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही करें, मेरा इन्वेस्टमेंट का कोई भी सलाह नहीं है दोस्तों। इस कंपनी में प्रोज एक है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, यानी कि डेप्ट को कम कर रही है, और कौन कुछ भी नहीं है, यानी कि काफ़ी बेहतर कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। जून 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो 521 करोड़ का सेल्स है, 487 करोड़ का एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34 करोड़ का, 2 करोड़ का अदर इनकम है, यानी कि पिछले से 1/5 पर आ गया है अदर इनकम। इंटरेस्ट 5 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर के बराबर ही है। डिप्रिसिएशन 6 करोड़ का है, यानी कि 1 करोड़ ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कि 25 करोड़ का, ठीक, जो कि पिछले क्वार्टर में 44 करोड़ का था। और टैक्स पेड करने के बाद में नेट प्रॉफिट जो आया है 18 करोड़ का, जिसके वजह से EPS 6.09 रुपया, और पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च 2023 में 10.86 रुपया था, तो उससे कम हुआ है। प्रॉफिट लॉस लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो सेल्स जो है 2,325 करोड़ का, एक्सपेंस 2,146 करोड़ का, अदर इनकम 18 करोड़ का, इंटरेस्ट 22 करोड़ का और डिप्रिसिएशन 20 करोड़ का, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 153 करोड़ का और नेट प्रॉफिट जो है टैक्स काट करके 114 करोड़ का, जिसके वजह से EPS 37.76 रुपया आया है।
तो अच्छा ही है, लेकिन अब इसमें बैलेंस शीट देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मार्च 2023 में शेयर कैपिटल 6 करोड़ का, रिजर्व 1457 करोड़, काफ़ी अच्छा है रिजर्व है, और ब्रोइंग मात्र 231 करोड़ का है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है ये। अदर लाइबिलिटीज 391 करोड़ का है, और टोटल लाइबिलिटीज 2085 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है 104 करोड़ का, ये भी अच्छा है, और टोटल एसेट है 2085 करोड़ का। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैश फ्लो मार्च 2023 का माइनस में 25 करोड़ का है, जबकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 182 करोड़ का हुआ था, लेकिन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, मतलब इन्वेस्टमेंट जो किया है उससे, माइनस 88 करोड़ का है, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस 119 करोड़ का है, जिसके कारण ही ये माइनस में आया था। अब थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जून 2023 का प्रमोटर के पास में 74.19% है, FIH के पास में 2.18% है, DIH के पास में 8.96% है, पब्लिक के पास में 14.67% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 88,239 है, यानी कि 88,239 आदमियों के पास में इसका शेयर है सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स। अब इसमें एक न्यूज है जो कि आज का है, लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अक्टूबर 9, 2023 को एक न्यूज आया है जो कि एक प्रमाण पत्र से संबंधित है, जो कि इंग्लिश में है। सब्जेक्ट में लिखे हुए सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 3074(5) ऑफ सेबी, डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018 फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन 30 सितंबर 2023, यानी कि जो क्वार्टर एंड हुआ है 30 सितंबर को, उसी से रिलेटेड है ये प्रमाण पत्र। जिसमें कि सेकेंड कॉपी में सर्टिफाइड इस तरीके का है, ये कैफिन टेक द्वारा, तो इसमें कुछ बिंदु को दर्शाया गया है, जिसमें कि चार है इधर, इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ खास है नहीं, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से।